हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक एसएससी क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पे। तो एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आज की निकल के आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले आई है कि जितने भी एसएससी सीएचएसएल कुछ एग्जाम हो रहे थे, जो कल से 20 तारीख से जो भी एग्जाम होने वाले थे वो सारे के सारे पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और आगे आने वाले समय में जो भी एसएससी जेई के एग्जाम होने वाले थे, जो कि मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के होने थे, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं नोटिफिकेशन क्या आया। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको हम लेके आ चुके हैं एसएससी के। तो एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे हम इसके नोटिफिकेशन को खोल के देखते हैं। तो जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये इंपॉर्टेंट नोटिस आई है कि प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे जो है इस एग्जाम को क्या किया गया है, पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। ठीक है, पोस्टपोन्ड कर दिया गया। ऑनगोइंग कम्बाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल जो एग्जाम चल रहा था टीयर 1 2019 का, जो 20 तारीख से जितने भी एग्जाम होने वाले थे कल से, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यानी 19 तारीख को ये जो है आया है आपका नोटिफिकेशन, तो ये जो भी जो है इम्पोर्टेंट नोटिस आया है, तो 20 तारीख से जितने भी एग्जाम होने वाले थे वो सारे के सारे पोस्टपोन कर दिया गया। सिमिलरली द जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड जो क्वांटिटी जो सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो एग्जाम होने वाले थे पेपर 1 के 2019 के, जो शेड्यूल किए गए थे 30 जो है मार्च से इफेक्टिवली होने वाले थे, उसको भी क्या किया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेश शेड्यूल फॉर दिस एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स। ठीक है, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन रेगुलरली फॉर अपडेट। तो यहाँ पे रेगुलर अपडेट, जो आगे आने वाले अपडेट के लिए आप इसके वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, टाइम टू टाइम आपको सूचना मिल जाएगी इसकी। लेकिन आमतौर पर ये देखा जाएगा अब कि जो भी एग्जाम पहले हो रहे थे, जैसे सीएचएसएल का एग्जाम पहले हो रहे थे, तो उसको पहले करवाया जाएगा। तो एसएससी जेई वालों का एग्जाम करीब 15-20 दिन के बाद ही अब सोचा जाएगा उसके बारे में। तो आपको एक्स्ट्रा 15 से 20 दिन मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, तो आप अच्छे से तैयारी करें। जैसे से जेई के अगर कैंडिडेट है, तो अगर सीएचएसएल 10+2 के कैंडिडेट है, तो आप उसकी भी अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तरीन अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में इस पर काफ़ी सारे एजुकेशनल वीडियोज आते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, शेयर अपने दोस्तों के साथ ये न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें चारों तरफ, ताकि जो बच्चे परेशान हैं, ताकि जिनका कल से एग्जाम है कल, वो बेचारे परेशान ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक